जीटीसी रियासी में एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड्स डे मनाया गया, जिसमें हमारे बच्चे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में, एनसीसी की एक्टिविटीज़ में, एनएसएस की एक्टिविटीज़ में एक्सेल किया है, उनको फेलिसिटेट किया गया और उनको अवार्ड्स दिए गए। हमारे बच्चे जीडीसी रियासी के बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो खेलो इंडिया में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से उन्होंने गोल्ड मेडल भी लाया, जिसलिए उन्होंने हमारे कॉलेज का नाम रोशन हुआ है और उनको हमने फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया था। उनके पेरेंट्स भी आए हैं और पेरेंट्स के सामने हमने उन बच्चों को फेलिसिटेट किया है। इस तरह से एनसीसी के बच्चे और एनएसएस के बच्चों को भी फेलिसिटेट किया गया है। नहीं, इसी कॉलेज के बच्चे थे 2022 से लेकर 2024 में जिनों बच्चों ने एक्सेल किया है उनको बुलाया गया था, लेकिन हमारे पास प्रिंसिपल जो थे वो पौनी से भी आए थे और जीडीसी धरमाड़ी से भी थे और जीडीसी मोहर से भी थे। इन्होंने बिल्कुल, ये बच्चे जो हमारे जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को देखा है, उन्होंने नेचुरली उनमें इंस्पायरेशन मिली है उनको कि हमें भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसी तरह से हमारा भी नाम होगा, हमारा भी कॉलेज की मैगजीन में नाम आएगा, कॉलेज की सभी जगह उनका नाम आएगा और उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं, हमें भी फेलिसिटेट करेंगे। और ये एनुअल डे है, हम इसमें हर साल इसमें बच्चों को बुलाएंगे, जो भी एक्सेल करेंगे, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, इससे बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी रहेंगे इन सभी प्रोग्राम्स में। ये जो एनुअल स्पोर्ट्स अवार्ड्स का जो फंक्शन था, ये हमारे कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की एक कोशिश थी, क्योंकि हम एकेडमिक्स में तो बच्चों को जो है वो ऑनर करते ही करते हैं। मैंने देखा कि जो भी बच्चे, चाहे वो स्कूल के हैं, ट्वेल्थ में हैं, टेंथ में हैं या ग्रेजुएशन में हैं, उनको जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या कोई ना कोई एनजीओ जो है टाइम टाइम से ऑनर करती रहती है और उनका हौसला अफजाई होती रहती है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ में बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में, एनसीसी में, एनएसएस में भी अच्छा करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक, जैसे हमारे कॉलेज के फेंसिंग में बच्चे जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कॉलेज का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट का नाम रोशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों को भी थोड़ा सा बूस्ट चाहिए होता है। और ये हमारे कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की एक छोटी सी कोशिश थी और मुझे उम्मीद है कि ये परंपरा जो है वो कंटिन्यू रहेगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कुछ ऐसे जो हैं वो अवार्ड्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होने चाहिए, जिनको जिनकी कुछ क्राइटेरिया बना के, जो बच्चों की एप्लीकेशन लेके जो उसमें क्राइटेरिया में फॉल करें, उनको ज़रूर ऑनर करना चाहिए, ताकि स्पोर्ट्स भी जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो है वो वर्ल्ड लेवल तक जा सके। ऊंचाइयों तक पहुंचाया और स्पोर्ट्स की हर फील्ड में हमें आगे बढ़ चढ़ते हुए अजय सर ने वॉलंटियरली हर काम में पार्टिसिपेट किया है। कॉलेज के एक मिनट बनाया, मैं भी फोटो भी ले लेता हूं। गौरव इधर देखना, यहाँ देखिए सर, मैम यहाँ देखें, मैम यहाँ देखें, मैम यहाँ देखें, यहाँ देखें सर। इंटर कॉलेज में फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया, सूर्य ये सम्मानित किया जाता है। सर थोड़ा पास, प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
शर्मा को उनकी उपलब्धि और भागीदारी, सुश्री काजल देवी को उनकी भागीदारी और उपलब्धि के लिए सम्मानित किया, उसमें बढ़ चढ़कर भागीदारी का प्रदर्शन किया है सौरभ शर्मा को उनके बढ़ चढ़कर भागीदारी का प्रदर्शन किया है। सम्मानित किया जाता है। तो ये मेरी भी और यहाँ पे एसपी सारस्वत सर।